हेलो स्टूडेंट्स, मैथ प्रोफेशनल क्लास में वेलकम। आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे वो है क्लास प्लस वन का कॉनिक सेक्शन, जो कि प्लस टू में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में यूज होता है। इसका फर्स्ट पार्ट है सर्कल, सेकंड है पैराबोला, थर्ड है इलिप्स एंड फोर्थ है हाइपरबोला। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक आज हम लोग जो करेंगे वो है सर्कल। सर्कल फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जूनियर क्लासेस में करते थे सर्कल। क्लियर? अगर तो सर्कल का सेंटर पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0, एंड रेडियस क्या है हमारे पास आर। सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस क्या है आर। तो इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस 0 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। क्लियर? अगर हमारे पास सेंटर है एच कोमा के, मीन्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है, और रेडियस हमारे पास क्या है आर, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, एक्स माइनस एच स्क्वेयर वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। क्लियर? थर्ड फॉर्मूला, जनरल फॉर्म इसकी क्या होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमारा इसमें सेंटर क्या होता है, -1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशियंट ऑफ वाई। यस, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास 2g, मीन्स की -1/2 इंटू 2g -1/2 इंटू 2f, मीन्स क्या आ गया ये माइनस जी और माइनस एफ। क्लियर? उसके बाद इसमें रेडियस की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस जी स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर माइनस कॉन्स्टेंट। क्या होती है हमारे पास रेडियस की वैल्यू, रूट माइनस जी स्क्वेयर माइनस एफ स्क्वेयर माइनस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर सर्कल का सेंटर पॉइंट क्या है, 0 0 है, तो रेडियस आर है, तो सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस 0 स्क्वेयर वाई माइनस 0 स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर, मीन्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। उसके बाद अगर सेंटर की इक्वेशन क्या है, एच कॉमा के सेंटर, और रेडियस क्या है आर, तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। अगर हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन है मिक्स, जो कि मिक्स होगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, तो इसमें सेंटर क्या होता है, -1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स -1/2 कोफिशियंट ऑफ वाई। उसके बाद -1/2 कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है 2g, -1/2 कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है 2f, 2 के साथ 2 कट हो गया तो क्या आ गया माइनस जी और माइनस एफ, और रेडियस क्या आएगा माइनस जी स्क्वेयर प्लस माइनस एफ स्क्वेयर माइनस कॉन्स्टेंट इस पूरी इक्वेशन का स्क्वेयर। क्लियर? अब इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। हां जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल
रेडियस क्या है हमारे पास, अंडर रूट टू, एंड सेंटर पॉइंट क्या है, -1,2। क्लियर सी बात है। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, अंडर रूट टू। एच की वैल्यू क्या है, -1। के की वैल्यू क्या है, 2। तो इक्वेशन क्या है, एक्स माइनस एच स्क्वायर वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या है, -1 तो +1। वाई माइनस टू स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट टू स्क्वायर, स्क्वायर के साथ रूट कट हो गया। यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2AB। यहां पर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर +1 प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y माइनस 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2x माइनस 4y, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 3। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, रेडियस की वैल्यू क्या है, रूट टू। सेंटर क्या है हमारे पास, -1,2। मीन्स एच की वैल्यू क्या है, -1। के की वैल्यू क्या है, 2। एक्स माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इक्वल टू आर स्क्वेयर। एच क्या है, -1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, +1। व के की वैल्यू क्या है, 2। ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। रूट टू का स्क्वेयर क्या होता है, 2। मीन्स की एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 4, 4 प्लस 1 क्या बन गया, 5। 5 माइनस 2 क्या आया हमारे पास, 3। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल हूज सेंटर क्या है हमारे पास, -a,-b, एंड रेडियस क्या है, √a² + b². फर्स्ट ऑफ ऑल h की वैल्यू क्या है, -a, k की वैल्यू क्या है, -b, r की वैल्यू क्या है, √a² + b². इक्वेशन क्या होती है, x माइनस h ऑलरेडी माइनस है तो प्लस। इक्वेशन क्या होती है, वाई प्लस बी क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, आर स्क्वेयर मीन्स की √a² + b² का होल स्क्वेयर, स्क्वेयर के साथ रूट कैंसिल। ए प्लस बी, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर 2ab, ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस 2ab। हां जी, सेम वैल्यूज को कैंसिल करो, ए स्क्वेयर के साथ ए स्क्वेयर कट, बी स्क्वेयर के साथ बी स्क्वेयर कट, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 2ax 2by = 0। हमारे पास आंसर क्या आया, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2ax 2by = 0। अब हम अपना चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, अब हमने फाइंड क्या करना है, सेंटर एंड रेडियस। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, इक्वेशन एक्स प्लस वन का स्क्वायर वाई माइनस टू का स्क्वायर अंडर रूट फाइव। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी यहाँ पे क्या है, 25। सबसे पहले देखो इक्वेशन होती क्या है, एक्स माइनस एच वाई माइनस के इक्वल टू आर स्क्वेयर। 25 किसका स्क्वेयर होता है? 5 का। एच की जगह यहां पर क्या है, प्लस वन है, मीन्स की एच की वैल्यू क्या है, माइनस वन। के की जगह यहां पर क्या है, टू। आर की जगह क्या है, फाइव, मीन्स की रेडियस क्या आया हमारे पास इसका, फाइव, और सेंटर क्या आया हमारे पास इसका, माइनस वन कोमा टू। रेडियस की वैल्यू क्या आई है, फाइव, सेंटर की वैल्यू क्या आई है, माइनस वन कोमा टू। क्लियर? अब हम लोग करते हैं एक मिक्स क्वेश्चन। फाइंड सेंटर एंड रेडियस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फोर एक्स माइनस सिक्स वाई प्लस टू इक्वल टू जीरो। सबसे पहले देखो यहां पर सेंटर क्या होता है हमारा, मिक्स इक्वेशन में माइनस वन बाय टू कोफिशियंट ऑफ एक्स, माइनस वन बाय टू कॉफिशेंट ऑफ वाई। यहां पर कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, फोर। यहां पर कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या है, माइनस सिक्स। कट कटिंग क्या आ गया, माइनस टू कॉमा थ्री। क्लियर? अब हमने फाइंड करना है रेडियस। माइनस टू का स्क्वायर, थ्री का स्क्वायर, सी की वैल्यू यहां पर क्या है, टू। सी की वैल्यू क्या है यहां पर, टू। फोर प्लस नाइन माइनस टू, 13 माइनस 2 क्या आ गया, अंडर रूट 11। मीन्स कि हमारे पास इसका सेंटर क्या है, माइनस टू कोमा थ्री, एंड रेडियस क्या है हमारे पास इसका, अंडर रूट 11। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका सेंटर फाइंड करने के लिए क्या किया, माइनस वन बाय टू कॉफिशेंट ऑफ एक्स, माइनस वन बाय टू कॉफिशेंट ऑफ वाई। कॉफिशेंट ऑफ एक्स क्या है, फोर। कॉफिशेंट ऑफ वाई क्या है, माइनस सिक्स। टू को फोर से कट किया, टू बाहर माइनस है, टू को सिक्स से कट किया, थ्री। सी की वैल्यू क्या है यहां पर, टू। फिर उसके बाद हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया इसका, रेडियस का। क्लियर? नेक्स्ट हम अपनी क्लास में करेंगे इसका टॉपिक पैराबोला। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए टॉपिक्स और नई नई वीडियोस देखने को मिल सके। थैंक यू सो मच।